आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। शरद पवार की पत्नी बेटी ने विपक्षी कैंडिडेट से लिया 85 लाख का लोन। बारामती से कनेक्शन। महाराष्ट्र में बारामती की जंग पवार परिवार के लिए अहम हो गई है। एक ओर जहां महाविकास अघाड़ी यानी MVA से दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है, वहीं महायुति ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां उम्मीदवार बनाया है। अब खुलासा हुआ है कि सुनेत्रा ने सीनियर पवार की पत्नी और बेटी को 80 लाख रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से लगातार 3 बार के सांसद सुप्रिया सुले पर उनकी भाभी और विरोधी खेमे से उनके खिलाफ लड़ रही सुनेत्रा परिवार का 35 लाख रुपए बकाया है। यह जानकारी सुले ने गुरुवार को नामांकन पत्र के साथ संलग्न हलफनामे में दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी का मुकाबला चचेरे भाई अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा से है। सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी है। सुले की तरफ से दाखिल हलफनामे के अनुसार उन पर अजीत और सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार का भी 20 लाख रुपए बकाया है। सुले और सुनेत्रा पवार दोनों ने दिन की शुरुआत में यहां काउंसिल हॉल में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष बारामती लोकसभा के लिए अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुप्रिया सुले के मुताबिक उनके और उनके पति सदानंद सुले की कुल चल संपत्ति 114 करोड़ रुपए से अधिक की है। सुनेत्रा पवार ने अपने हलफनामे में चल संपत्ति की कीमत 12,56,58,983 रुपए, जबकि अचल संपत्ति की कीमत 58,39,49,751 रुपए बताई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने सुप्रिया सुले के अलावा सीनियर पवार की पत्नी प्रतिभा पवार को भी 50 लाख रुपए दिए हैं। दोनों ही उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। एक ओर जहां सुनेत्रा की रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हैं, वहीं सुले की रैली में शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान और बालासाहेब थोराट मौजूद थे। बारामती में 7 मई को मतदान होगा, जबकि शुक्रवार को होने जा रहे पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है।